हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे एक पुलाव की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी है और इतनी इजी है, कम समय में झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आज हम कुकर में बनाएंगे। इसके लिए कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसके बाद सारे खड़े मसाले डाल देंगे, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्ची और थोड़ी 2 तेज़पत्ता हम इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स को डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक आलू का अच्छी तरह से पील करके काट दिया है। थोड़ा सा हम इसमें गाजर डाल देंगे और यह है सोया बड़ी, जिसको मैंने गर्म पानी में नमक डालकर थोड़ा सा बॉईल करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चावल के लिए 2 1/4 कप एक्स्ट्रा पानी लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम गाय का घी डालेंगे। गाय का घी डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको पानी बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए हम इसमें चावल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का अच्छी तरह से धोकर आधा घंटे से पहले रख दिया था। अब हम इसको डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें एक मसाला डालेंगे, जो मसाला इतनी टेस्टी लगेगी पुलाव। तो आज हम बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं ना, इसलिए ये है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो चक्री फूल और जावित्री, इसको मैंने पाउडर बना कर रख दिया है। जब आप इस तरह से बिना प्याज लहसुन की पुलाव बनाएंगे तो इस पाउडर को डाल देंगे तो इतनी टेस्टी लगते हैं कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम में 1 विसिल आने के बाद गैस बंद कर देंगे और एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए हम इसका लेड ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो पुलाव है एकदम अच्छी तरह से कुक हो गई है और ठंडा होने के बाद मैंने ओपन किया है। देखिए हमारा चावल एकदम अच्छी तरह से खिली खिली बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से बनाकर अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाइए, आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम कितने प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर कोई भी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।